सिंध में कोरोना वायरस से मजीद 22 संवाद, सूबे में वायरस से मरने वालों की तादाद 1637 हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह की सूबे में कोरोना सूरत हाल पर ब्रीफिंग, कहा 24 घंटों में मजीद 1697 मरीज सेहतियाब होकर घरों को चले गए। कोरोना सूरतहाल से मुतालिक अपने ताजा बयान में सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि शहर कायद समेत सूबे भर में कोरोना के 1736 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मरीजों की मजमूई तादाद 99,362 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 22 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में इंतकाल करने वाले मरीजों की तादाद 1637 हो गई। इस वक्त 41,352 मरीज जेरे इलाज है, 39,199 घरों में और 352 मरीज आइसोलेशन सेंटर्स में है, 1801 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज है, जबकि 655 मरीजों की हालत तश्वीशनाक बताई जा रही है। वजीर आला का मजीद कहना था कि इस वक्त 75 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। 24 घंटों में 1697 मरीज सेहतयाब होकर घरों को चले गए। सिंध में अब तक 56,373 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कराची में 764 नए केसेस सामने आए। मुराद अली शाह ने कहा कि कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए SOPs पर अमल करने की हिदायत है।